ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप नंबर ऐड करवा लेंगे ग्रुप, तो फिर ये फाइल आप ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम मतलब बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। अमेजोन आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बेसिकली ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं और बायर वहाँ से आके बाय करता है। अमेजोन की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो कॉन्फिडेंस से अमेजोन पे बाय करने आ रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट £10 की ये अमेजोन पे लगी है और वही प्रोडक्ट अगर £8 की, £8 की किसी वेबसाइट पे लगी है, तो कस्टमर प्रेफर करते हैं कि वो कहाँ से लें, अमेजोन से लें। उसकी वजह ये है कि अमेजोन पे कस्टमर को टोटल प्रोटेक्शन है कि उसके जो जो भी वो स्पेंड करेगा वो वेस्ट नहीं हो, कस्टमर की मनी ए टू जी प्रोटेक्टेड होती है। क्या होती है ये, ए टू जी प्रोटेक्टेड। अब अमेजोन में ये सेलर के लिए एक चैलेंज भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने एक चीज बाय की, उसने बाय की, उसने पेमेंट की, आपने उसको डिलीवर करवा दी। अब अगर कस्टमर ने ये कंप्लेंट कर दी ना कि प्रोडक्ट इज नॉट एज एडवर्टाइज, ये वैसी नहीं है जैसी एडवर्टाइज की गई है, तो अमेजोन क्या करेगा, आपसे पूछे बगैर कस्टमर को फुल रिफंड इशू कर दे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सेलर के लिए भी, बायर के लिए प्रोटेक्शन है, सेलर के लिए ये क्या है, एक चैलेंज है। अब आप लोगों ने कस्टमर को प्रोडक्ट सेंड की, उसके बाद उस पर शिपिंग भी लगाई, और बाद में कस्टमर ने एक छोटी सी कंप्लेंट करके वो अपनी सारी मनी आपसे रिफंड करवा ली, वो आपके फंड्स में से अमेजोन वापस करवाए। जब भी हम अमेजोन को बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अमेजोन हमारे 28 डेज के लिए फंड्स को होल्ड करता है, जो भी सेल होती जाएगी अमेजोन उन फंड्स को होल्ड करता जाएगा 28 डेज के। फिर 28 डेज के बाद वो डिसबर्समेंट्स स्टार्ट होती है, 28 डेज बाद वो फंड रिलीज करना शुरू कर देता है, ताकि इस दौरान अगर कोई भी कस्टमर कंप्लेन करता है तो अमेजोन हमारे फंड्स में से उनको रिफंड इशू कर देता है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखें कितना होल्ड किया हुआ है अमेजोन ने, 2400। इस वक्त अमेजोन के पास कितना पड़ा है हमारा, £2400 है, ये अमेजोन ने होल्ड किया हुआ है। ये क्यों होल्ड किया हुआ है, कि अगर कोई भी कस्टमर कंप्लेंट करेगा या कोई इशू निकलेगा वो इसी में से रिफंड इशू कर देगा, ठीक है। तो ये वो कॉन्फिडेंस लेवल है जिसकी वजह से जो भी कस्टमर है वो कहाँ पे आते हैं, अमेजोन के प्लेटफॉर्म। अब कस्टमर ने कह दिया कि आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, अमेजोन रिफंड इशू कर देगा, प्रोडक्ट भी कस्टमर के पास है और उसको रिफंड भी मिल गया। उसने कहा, कस्टमर ने कहा, कलर्स आर नॉट एज ब्राइट एज शोइंग इन द पिक्चर्स, इमेजेस आर नॉट एज, प्रोडक्ट इज नॉट एज विविड एज शोइंग इन द पिक्चर। समटाइम होता है ना, हम एंड्रॉयड कैमरा से पिक्चर लेते हैं, वो विविड होती है, मतलब ब्राइट कर देती बहुत ज़्यादा, इतना खूबसूरत हो जाता है। तो बस अगर आप इस तरह के कैम से लेके फोटो यहाँ पे लगाएंगे, फिर कस्टमर के साथ जब पहुँचेगी प्रोडक्ट तो वो डिससेटिस्फाइड होगा ना, एक ब्राइट रेड कलर है आपने यहाँ पे लगाया होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट जब कस्टमर को मिली है तो वो इतनी ब्राइट नहीं है, तो कस्टमर कह सकता है कि प्रोडक्ट इज नॉट एज विविड एज शो, तो अमेजोन उसको रिफंड कर। ये क्वेश्चन मुझे पता था आपने करना है, लेकिन हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से एक एक बात पता चली हमें, वो कौन सी थी, कि हमने एग्जैक्ट इमेजेस लगानी है। अगर हम विविड इमेजेस लगाएंगे, फेकफुली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान किसका है, हमारा ही है ना। अब हमारा प्रोडक्ट भी कस्टमर के पास है, मनी भी रिफंड हो गई है, और शिपिंग भी किसके पास है, हमारी शिपिंग भी वेस्ट हो गई। तो पहला तो स्टेप ये है कि एज अ सेलर हम क्या होंगे यहाँ पे, ऑनेस्ट। ऑनेस्टी के अलावा कोई पॉलिसी है आपके पास यहाँ पे, आपने डिस्क्रिप्शन में एग्जैजरेट कर दिया, आपने डिस्क्रिप्शन में एग्जैजरेट कर दिया होगा कि प्रोडक्ट में वो फीचर नहीं है जो आपने लिख दिए हैं। अब कस्टमर ने उसको टच तो नहीं किया, कस्टमर ने जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है उसको रीड करना है और उसकी बेस पे कन्विंस होना है और बाय करना है। अब अगर आप एग्जैजरेट करेंगे, कस्टमर उस एग्जैजरेशन की बेस पे कन्विंस होता है और बाय कर लेता है। अब कस्टमर के पास पहुंची, वो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, तो वो क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। तो कंप्लेन करने से लॉस किसका होगा, सेलर का होगा ना। तो क्या एज अ सेलर आप लोग कोई प्रोडक्ट फेकफुली प्रेजेंट करेंगे,
नहीं करेंगे, या करेंगे आप करेंगे कभी नहीं करेंगे, उल्टा नुकसान होगा। तो ये बात यहाँ से हमें ये समझ आती है कि अगर हम एज अ बायर अमेज़न पे जाएंगे, हमें ये प्रोटेक्शन है कि जो शो हो रहा है वही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये दूसरा प्रोटेक्शन, एक तो ये होगा कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो, एक हो गया ना आपका जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। दूसरा लॉस क्या हो, अगर आप लोगों ने 100 ऑर्डर्स भेजे, आपने 100 ऑर्डर्स कस्टमर को डिस्पैच किए एंड कस्टमर्स आर हैप्पी विद देयर 100 ऑर्डर्स, वन कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड एंड इज नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी सर्विस और एनीथिंग, वन कस्टमर इज नॉट हैप्पी आउट ऑफ 100, he will put a complaint against you, got his money back and also give you a serious defect. kya karega aapko ek serious defect dega aur is ek complaint ke upar aapka account suspend ho sakta hai. ek to financial loss hai hi, lekin sath hi aapka account bhi suspend ho sakta hai. aur agar aapka account suspend hoga to ye aapke liye ek serious loss hai ki aapki shop hi shut down kar di jayegi. to 100 mein se ek complaint kafi hai aapke account ko suspend karwane ke. तो क्या एज अ सेलर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करेंगे जो आपने फेकफुली यहाँ पे एडवर्टाइज किया होगा? एंड पे एंटरटेन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सही है, उसको होल्ड कर लो. तो यहाँ से समझ आ गई कि आप लोग एज अ सेलर क्या ये रिस्क लेंगे कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे लगाएं कि जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो, लेंगे आप ऐसा रिस्क? नहीं लेंगे. इसलिए इसका अमेज़न की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में बहुत हाई. समझ आती है? अब अगली बात आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ. मैंने कहा था कि इस तरह तो लोग फेकफुली भी कर सकते हैं कि ये तो आसान फार्मूला है ना कि हम बाय करें और बाद में कंप्लेन करें और चीज़ वापस ले लें, प्रोडक्ट भी अपने पास है और हमारे पास है. तो पहली बात तो ये कि 90% कस्टमर आपके ऑनेस्ट होंगे, 90% कस्टमर आपके ऑनेस्ट होंगे. द वे यू ब्रॉट अप, कि जिस तरह आप ब्रॉट अप हुए हैं, हम जिस सोसाइटी में ब्रॉट अप हुए ना, दिस इज अ नेगेटिव मेंटालिटी हमारी है यहाँ, तो हम हमेशा किस तरफ जाते हैं? नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं. ऑनेस्टी ऑनेस्टी का हमारे लिए कोई वो नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है. क्लेवर उसको कहते हैं जो लोगों को धोखा दे सकते हैं, और उन कंट्रीज में क्लेवर उसको कहते हैं जो अच्छा बिजनेस करता है, सही है. तो क्लेवर की डेफिनेशन दोनों के लिए डिफरेंट है. तो आपको 90% ऑनेस्ट कस्टमर मिलेंगे, 10% कस्टमर आपको मिलेंगे जो आपके साथ ये कर सकते हैं. वो भी कौन होंगे? फॉरनर, पाकिस्तानी नहीं, इतना ही बनाना करो. फॉरनर वो कौन होंगे? वो फॉरनर होंगे. फॉरनर में जो मतलब वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, बंगालीज भी हो सकते हैं, इंडियंस भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो ईस्टर्न यूरोप है, जो गरीब मुल्क है यूरोप के, जिनमें चेक रिपब्लिक, स्लोवोकिया, रोमेनिया, पोलैंड, ये लोग फ्रॉडिये हैं सारे. ये मतलब आप लोगों को तंग करते हैं यहाँ पे आते, ठीक है. लेकिन इनको टैकल कैसे करना ये हमें सीखना है. अगर इस तरह के कंप्लेंट्स आएंगे तो हमने उनको अपील कैसे करना, उनको हैंडल कैसे करना, ये हमें सीखना है. हमने जो फंड्स हमारे चले गए हैं उनको फिर वापस कैसे लेके आना है, ये हमें सीखना है. तो मैं बता रहा था कि अमेज़न की क्रेडिबिलिटी और जो है कि इसकी क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है, कस्टमर क्यों हैप्पी है अमेज़न से, बिकॉज दे आर ए टू जी प्रोटेक्टेड. उनका इसको ए टू जी क्लेम भी कहते हैं कि उनकी मनी जो है वो ए टू जी प्रोटेक्टेड है, टोटल प्रोटेक्शन है. तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया से अमेज़न के प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं. यही वजह है कि पोस्ट कोरोना अमेज़न बहुत क्विकली एक्सपैंड हुआ. कोरोना के बाद अमेज़न बहुत क्विकली एक्सपैंड हुआ क्योंकि लोगों ने घरों से जाना छोड़ दिया. अब कोरोना में लोग घर थे, तो जब वो घरों में रहना शुरू किया तो उनको घरों में रहने की अब आदत हो गई. अब वो एक सिंगल सिंगल चीज़ के लिए मार्केट नहीं जाते, ठीक है. तो इसलिए पोस्ट कोरोना अमेज़न की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई. तकरीबन 35% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ अमेज़न. फिर उसके बाद अमेज़न ने अब क्विकली डिफरेंट कंट्रीज में अपने आप को एक्सपैंड किया. समझ आ गए? अब आप लोगों को थोड़ा सा अमेज़न का बैकग्राउंड समझ आ गया. तो आपने क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा, क्विकली जाते हैं इसकी तरफ, इसका आंसर देते हैं. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हमने एफबीए प्रोसेस करना है तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस. वो कह रहा है कि अगर हमने स्टॉक एफबीए किया हुआ है, जब स्टॉक एफबीए किया होगा तो हमारा अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो क्या होगा,
पहली बात तो ये, अगर अकाउंट सस्पेंड होता है तो डिपेंड करता है कि किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ। अगर तो परफॉर्मेंस की वजह से वो सस्पेंड हुआ है तो फिर वो रीइंस्टेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको प्लान ऑफ एक्शन होना पड़ता है, ठीक है। वो 15-20 दिन लगते हैं आपका वो रीइंस्टेट हो जाता है। अगर आपने कोई पॉलिसी वायोलेशन की है, जो कि हमने पढ़ना है कि पॉलिसी वायोलेशन क्या होती है, पॉलिसी वायोलेशन में तकरीबन 30% चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट रीइंस्टेट होगा, 70% चांसेस है कि अकाउंट रीइंस्टेट अब नहीं होगा। अब क्वेश्चन आया कि आपका इन्वेंटोरी उधर पड़ी हुई है अमेजोन के पास, तो वो इन्वेंटोरी अमेजोन कहेगा कि यहाँ से रिमूव करें। तो अगर आप पाकिस्तान से स्टॉक भेजा हुआ है आप लोगों ने, हमने पढ़ना है डिटेल में, कंफ्यूज ना होइएगा, ये कि हमें सारा पढ़ना है। तो अगर हमने पाकिस्तान से स्टॉक भेजा होगा तो फिर हमें रिटर्न का बड़ा इशू आएगा कि स्टॉक रिटर्न कहाँ पे करवाना है। अगर तो हम यूके के अंदर ही है तो अपने घर पे उसको मंगवा लेंगे वापस, ठीक है। अगर आपके पास यूके में कोई फ्रेंड नहीं है या आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो कुछ कंपनीज भी ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, 3PL सर्विसेज कहते हैं उनको। उनका नंबर भी फ्यूचर में आपको देंगे, अगर अभी आपको जरूरत पड़े तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपकी इन्वेंटोरी को वहाँ से वापस मंगवा लेंगे अपने पास, फिर आप उनको किसी और प्लेटफॉर्म पर सेल करें, तो सारा कुछ आप सीखेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं अमेजोन की टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जब हम अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन पे किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होते हैं, तो तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे इस वक्त सेल हो रहे हैं, पर इन तीनों के अंदर आपको डिफ्रेंसिएशन करना ज़रूरी है। डिफ्रेंसिएशन करना इसलिए ज़रूरी है कि इन तीनों को सेल करने का तरीका, एडवर्टाइज करने का तरीका और लिस्टिंग करने का तरीका डिफरेंट। तो जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे हम पॉलिसी को वॉयलेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक जेनेरिक आइटम है आप उसको प्राइवेट लेबल की तरह लगाएंगे, या एक ब्रांडेड आइटम है आप उसको प्राइवेट लेबल की तरह लिस्ट करने की कोशिश करें, तो इससे आप पॉलिसी को वॉयलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही पॉलिसी वॉयलेट होगी आपके अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और पॉलिसी वॉयलेशन पे अकाउंट सस्पेंशन और रीइंस्टेटमेंट के चांसेस रिमोट है, काफी कम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे जेनेरिक आइटम्स कौन सी होती हैं, ब्रांडेड आइटम कौन सी होती हैं और प्राइवेट लेबल आइटम कौन सी। सबसे पहले आती है हमारी जेनेरिक आइटम्स, जेनेरिक है नॉन ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड आइटम सोल्ड एज नॉन ब्रांडेड, एक नॉन ब्रांडेड ही आइटम है, जैसे ये टेबल है ये ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, और जब इसको सेल किया तो इसको नॉन ब्रांडेड के तौर पे ही सेल किया गया, ऐसे है या नहीं है, इसके ऊपर कोई स्टैंप तो नहीं लगाई बाद में किसी ने। तो जेनेरिक आइटम होती है नॉन ब्रांडेड आइटम सोल्ड एज नॉन ब्रांडेड। अब ये चेयर्स हैं आपके पास पड़ी हुई, ये चेयर्स ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, ये जब सेल हुई थी तो ये एज अ ब्रांडेड सेल हुई है या नॉन ब्रांडेड सेल हुई है, तो ये कौन सी आइटम है, जेनेरिक है। क्या है ये जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब ही नॉन ब्रांडेड होता है। अगर आपको कहीं किसी भी जगह पे कोई वर्ड जेनेरिक लिख के नजर आए ना, उसका मतलब होता है नॉन ब्रांडेड। अब ये ग्लास है, ये ग्लास ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, और जब इसको सेल किया तो एज अ ब्रांडेड सेल किया या नॉन ब्रांडेड सेल किया, इसको बना हुआ है इसके ऊपर, वही तो कह रहा हूँ इस वक्त नहीं ना बना हुआ, तो ये क्या है जेनेरिक। आपकी क्वेश्चन का मैंने आना जो भी आपने किया, तो जेनेरिक की समझ आ गई आपको। अब हम आते हैं ब्रांडेड को छोड़ते हैं, प्राइवेट लेबल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल क्या होता है, प्राइवेट लेबल आपका साथी ब्रांड है, प्राइवेट लेबल क्या है, साथी ब्रांड, इट शुड बी यूनिक एंड नेवर बी यूज्ड ऑन अमेज़न बिफोर। ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और आज से पहले किसी ने इस नेम को अमेज़न पे यूज ना किया, ये टोटली एक नया ब्रांड आपका साथी ब्रांड मार्केट में आएगा। जैसे ये, जैसे हमारा ये इंस्टीट्यूट है, अगर हम इसके सारे ये जो फ्लेक्स लगे उतार दें तो ये क्या बन जाएगा, जेनेरिक हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर अपना टैग लगा देते हैं, अब ये जो हमने नाम रखा होगा, क्या आप ये नाम यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे, हम आपको करने भी देंगे। ये आपका जाती ब्रांड है, क्या है ये, प्राइवेट लेबल है, ये क्या है आपका जाती, और इसको किसी ने पहले यूज भी नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, जाती ब्रांड है, इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उस बिजनेस का जो नेम रखते हैं वो आपका प्राइवेट लेबल, ठीक है। अब देखें, प्राइवेट लेबल आइटम दो तरह की होती है, जैसे ये है ना, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है ना, इसको इंटरनेट पे व्हाइट लेबल भी कहते हैं, तो कोई लेबल नहीं है इसके ऊपर। अगर कभी व्हाइट लेबल आप पढ़े ना, तो उसका मतलब ये होगा कि कोई लेबल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये व्हाइट लेबल आइटम है, जेनेरिक है। अगर इसके ऊपर हम अपना स्टिकर लगा दें यहाँ पर, तो फिर ये प्राइवेट लेबल बन जाएगा।
समझ आई बात की? अब ये जेनेरिक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? प्राइवेट लेबल। ये टेबल है ना, इस टेबल के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर मैं अपनी स्टैंप लगा दूं इसके ऊपर, फिर ये क्या बन जाएगा? प्राइवेट लेबल। सेकंड कौन सी है? न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। कौन सी? न्यूली मैन्युफैक्चर्ड। हम एक नई आइटम मैन्युफैक्चर करवाते हैं अपने लिए और उसके ऊपर अपना लोगो लगवाते हैं, वो भी क्या होगा? प्राइवेट लेबल। ठीक है, हम एक नया आइटम प्रोड्यूस करवाते हैं, हम प्रोडक्शन करवाते हैं और उसको अपना नाम देते हैं, वो क्या है? प्राइवेट लेबल। ब्रांडेड में और प्राइवेट लेबल में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो ब्रांडेड है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते। अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, आपको पहले प्राइवेट लेबल की समझ आ गई? हाँ, जो पहले यूज नहीं किया गया, प्राइवेट लेबल क्या होगा? जिसका नाम आज से पहले यूज नहीं किया गया। जैसे हम अब ब्रांडेड की एग्जांपल लेते हैं, ये जो टैली है, ये ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? ब्रांडेड है ना, लैपटॉप ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? वो फैन जो है ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? एसी ब्रांडेड है ना, ठीक है। तो क्या अब ये जो हमारे ब्रांडेड आइटम्स हैं, ये टीवी है, ये क्या इसके ऊपर आप अपना लोगो लगाएंगे? आप इसको ब्रांडेड ही खरीदेंगे और ब्रांडेड ही सेल करेंगे। आप इसको ब्रांडेड ही खरीदेंगे और ब्रांडेड ही लगाएंगे। प्राइवेट लेबल क्या होगा? जैसे एसी में बात करते हैं ना, चार पांच ब्रांड है, जैसे हायर है, ग्री है, एक्शन डाइकन है, मित्सुबिशी है, ईडीसी। अब आप एक नया ब्रांड लेके आ रहे हैं एसी में, एमेजॉन। अब क्या लेके आ रहे हैं आप एसी में? एक नया एमेजॉन, वो प्राइवेट लेबल, कि वो उससे पहले एसी में यूज नहीं किया गया। वो समझ आई बात की? तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया, जेनेरिक का, ब्रांडेड का और प्राइवेट लेबल। जो ब्रांडेड है ना अमेज़न की, अमेज़न के लिए ब्रांडेड आइटम्स सोल्ड एज ब्रांडेड, कि वो हम ब्रांडेड ही बाय करेंगे और ब्रांडेड ही सेल करेंगे, ठीक है। और जो जेनेरिक है वो हम नॉन ब्रांडेड ही बाय करेंगे, नॉन ब्रांडेड ही सेल करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट लेबल है वो क्या होगा? इधर वो जेनेरिक होंगी या वो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड होंगी? क्या होंगी? इधर वो जेनेरिक होंगी या न्यूली मैन्युफैक्चर्ड। कि हमने खुद से, जैसे हम टावल मैन्युफैक्चर खुद करवाते हैं अपने लिए, वो हमारा अपना मतलब ब्रांड है, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने लोगो लगाते हैं उसमें। आप मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं या आप वाइट लेबल आइटम्स लेके उनके ऊपर अपने टैग भी लगा। जब आप इसके ऊपर टैग लगा देंगे तो ये प्राइवेट लेबल है, ठीक है। तो कुछ क्लियर होगा इसका? अब हम जेनेरिक को छोड़ते हैं, हम पहले ब्रांडेड को और प्राइवेट लेबल को डिस्कस करते हैं। जो ब्रांडेड आइटम्स हैं, ये वो ब्रांड है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं। ब्रांडेड आइटम के बारे में ज्यादा आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ब्रांडेड आइटम है तो कोई भी कस्टमर आएगा तो वो उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ प्राइस पूछेगा कि इसकी क्या प्राइस है। ऐसा ही होता है ना, आप जब मोबाइल फोन परचेज करते हैं ब्रांडेड, तो क्या आप कभी पूछते हैं इसकी रीसेल क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या है? अब ये पूछते हैं कि इस मॉडल की प्राइस क्या है। लेकिन अगर कोई चाइना का मोबाइल आया जिसको आप ना जानते हो, तो आप पहले क्या पूछते हैं? अरे ये ड्यूरेबल है या नहीं, इसकी कोई रीसेल है या नहीं है। ऐसी गाड़ियों की एग्जांपल है, अगर गाड़ी में मेन ब्रांड जो है उनके बारे में आप सिर्फ मॉडल की प्राइस पूछते हैं कि ये मॉडल आया इसकी क्या प्राइस है, आप कभी क्वालिटी पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई चाइना का ब्रांड आएगा मार्केट में, तो पहले पूछते हैं इसकी रीसेल क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर जो इंजन लगा वो क्या चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांडेड आइटम को सेल करना आसान नहीं है। आसान ब्रांडेड आइटम को आसान सेल करना आसान है, क्यों? कि लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को ऑलरेडी है, और वो आप पे प्राइस पे बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे। वो आपके साथ फिक्स प्राइसेस होती है, उनको पता होता है जौन सा मॉडल अफोर्ड कर सकता है वो उतने पैसे जमा करता है और मार्केट से जाकर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांडेड आइटम है उनको सेल करना आसान। अब दूसरी बात, जब हम अमेज़न की बात करते हैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ब्रांडेड आइटम के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश इन द मार्केट, कस्टमर न्यू अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी रैंक्ड ऑन अमेज़न पे, यू डोंट नीड टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया फॉर दैट प्रोडक्ट। तो जो ब्रांडेड आइटम है उनको सेल करना हमारे लिए इजी है, समझ आ गई। अब प्राइवेट लेबल की तरफ चलते हैं।
आपने एक नया एसी बनवाया अपने नाम से, आपने एक बनवाया एसी, उसके ऊपर आपने अपना नाम दिया उसको, तो क्या उसको सेल करना आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन तो नहीं है, खैर मुश्किल है, सही है। तो प्राइवेट लेबल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एफर्ट करनी है, क्या करनी पड़ती है, आप स्क्रैच से हर चीज शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं, स्क्रैच से हर चीज शुरू करते हैं, अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर कैंपेन्स करनी पड़ेंगी, अमेजोन पे पीपीसी कैंपेन्स पड़ेंगी, आगे जाकर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेंगी, डील्स वाउचर्स सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये आपका जाति ब्रांड है, अब ये आपकी आपकी नस्लों को भी पास ऑन होगा, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होगा। अगर आप लोगों ने ये ब्रांड बना लिया तो फिर क्या होगा, कोई कोई आपको ये स्नैच नहीं कर सकता, ये आपका जाति ब्रांड, आप उस ब्रांड में रख के जो मर्जी सेल कर ले, सब कुछ सेल हो। स्टार्ट में आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्या बनेगा आपका, ऐसा लॉन्ग टर्म में क्या बनेगा आपका, वो ऐसा। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड को सेल करना आसान है, जैसे हमने कहा हमने ग्री की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली है, ग्री एसी की फॉर इंस्टेंस हमने उनकी ले ली है, तो बिक रहा है हाथों हाथ बिक रहा है। अब क्या हुआ, ग्री से हमारे टर्म्स खराब हो गए, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल कर देगा, अगर ये कैंसिल हुआ तो हमारा बिजनेस शट डाउन हो जाए, सिक्योरिटी कोई नहीं है, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है वो किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास। कंट्रोल कहाँ पे है, थर्ड पार्टी के पास कंट्रोल, तो थर्ड पार्टी के रहमो करम पे हम हैं, अगर वो अलाउ करेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट लेबल होगा वो क्या होगा, आपका एसेट होगा, उसे कोई नहीं कुछ कह सकता, समझ आ गए, ज्यादा क्लियर। अब अगली बात सुन लो, जो ब्रांडेड आइटम है अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ब्रांडेड आइटम्स में एंट्री मुश्किल, एंट्री क्या है इसमें मुश्किल है, क्यों, क्योंकि आप अगर कोई भी ब्रांडेड आइटम अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हैं तो अमेज़न की पॉलिसी के मुताबिक आपको ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रांड से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट अप्रूवल कोई भी ब्रांड की आइटम सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांस, और ये वाला जो सस्पेंशन है इसमें री इंस्टेटमेंट के चांसेस सिर्फ 30% है, उससे भी कम है, ये पॉलिसी वायोलेशन में आ गया, ठीक है। तो ब्रांडेड आइटम में हम कहते हैं अपने वर्ड्स में, एंट्री मुश्किल है, बाद में उसको सेल करना आसान, एंट्री इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जब आप एज ए न्यू सेलर मार्केट में जाते हो तो ब्रांड आप पे ट्रस्ट नहीं करता, ब्रांड आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप अप्लाई करते हैं अकाउंट अप्रूवल के लिए तो वो आपको अप्रूवल नहीं देता, ये भी हम सीखेंगे कि अप्रूवल लेनी कैसे, ये भी आपने सीखना है कि ये आपने अप्रूवल कैसे लें, तो ब्रांड हमें अप्रूवल समटाइम नहीं देता, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है, हमें 1 से 2 माह इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो इसमें एंट्री मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन बाद में इसको सेल करना आसान है, अदर प्रॉन्स एंड कॉन्स मौजूद है। अब अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो प्राइवेट लेबल में एंट्री आसान है, प्राइवेट लेबल में एंट्री आसान है, क्योंकि आपको किसी से अप्रूवल तो नहीं लेनी पड़ेगी, प्राइवेट लेबल में एंट्री आसान है, इसमें बिजनेस करना आसान है, स्टार्टिंग आसान है, लेकिन इसको बाद में सेल में कन्वर्ट करवाना मुश्किल है। अगर आप इसको इसके लिए सेल में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर सारी एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, इसका आपको आपको रैंक करवाना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, सोशल मीडिया करवाना पड़ेगा, तो ये सब कुछ हम इसके लिए करेंगे और ये सीखेंगे भी कैसे, समझ आ गई यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको जेनेरिक का, ब्रांडेड का और प्राइवेट लेबल का डिफरेंस बताता हूँ। ये देखें, ये हमारा amazon.co.uk ये हमारा बाइंग पेज है, कौन सा पेज है, ये हमारा बाइंग पेज है, यहाँ पे सारी अगर हमें कोई रिसर्च करनी हो या कोई चीज़ बाय करनी हो तो हम amazon.co.uk में आएंगे, या अगर अमेरिका है तो .com, अगर कोई भी कंट्री है तो उसकी डोमेन लग जाए। हम यहाँ पे एक ब्रांड सर्च करते हैं, ठीक है, ये देखें, ये एक लेबल एंड ब्रांड नजर आ रहा है आप लोगों को, इसके ये क्या है,
ये 294 लिखा हुआ, ये क्या है? रिव्यूज, ये क्या है? और ये इसके साथ रेटिंग है इसकी स्टार्स, ये रिव्यूज है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ये सारे रिव्यूज नजर आ रहे हैं आप लोग? मैं ये इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर ये मैट पेस्ट है, हेयर के लिए है, ट्रीटमेंट है। तो ये इस वक्त प्राइस क्या है इसकी? 25.49। ये हमारा बाय बॉक्स का पार्ट है, बाय बॉक्स के ऊपर जो यहाँ से हम बाय करेंगे, और ये सेलर है। डिस्पैच फ्रॉम क्या है? हेयर गैलरी। और सोल्ड बाय क्या है? हेयर गैलरी। तो इसका मतलब ये क्या है, FBA है या FBM है? तो बाय बॉक्स किसके पास है इस वक्त? FBM के पास है। कितने और सेलर है? पांच और लोग इसको सेल कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं? ये पांच और लोग हैं, इसको अमेजोन भी सेल कर रहा है और ये बाकी लोग हैं, हर एक ने अपनी अपनी प्राइस लगाई हुई है, ठीक है। जब आपने ब्रांड को सेल करना है तो आपने भी क्या करना है? सिर्फ अपनी प्राइस लगानी है। क्या करना है आपने? सिर्फ प्राइस लगानी है। तो आप प्राइस लगाएंगे, अगर आप बाय बॉक्स विन कर लेते हैं, पहले आपसे बात हुई थी, डिस्कस किया होगा, अगर आप लोग ये बाय बॉक्स विन कर लेते हैं तो ये जो 719 की रेटिंग की लिस्टिंग है, ये किसकी हो गई है? ये आपकी हो गई। लिस्टिंग किसकी हो गई? अब आपकी हो गई। इसके मुकाबले में अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करें, जब ये इसके कितने रिव्यूज हैं? 3.93। हम इसको ओपन कर लें, अच्छा पहले हम इसको देखते हैं। ये देखिए जरा, ये एक मैंने टाइप किया है, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ आइटम नजर आ रही है, उनके मुख्तलिफ रिव्यूज हैं, नजर आ रहे हैं सारे? ये देखिए, इसके 141 है, हम और नीचे जाते हैं, इसके कितने रिव्यूज हैं? इसके कितने रिव्यूज हैं? 0 रिव्यूज होंगे। तो आप बताएं फिर, 0 रिव्यूज अगर आपके होंगे तो इन जो हमारे वो कंपटीशन में लोग हैं उनसे कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा हमें आगे, क्योंकि आपके तो रिव्यूज ही नहीं होंगे। उनके 5000 रिव्यूज हैं, किसी के 6000 रिव्यूज हैं, आपके कितने रिव्यूज होंगे? 0, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में जब आपने लिस्टिंग करनी है तो आपने स्क्रैच से करनी है। कहाँ से करनी है? 0 से। तो जब आप 0 से लिस्टिंग करेंगे तो आपके रिव्यूज भी कितने होंगे? 0, ठीक है। अब आपने ये हमने आगे जाके सीखना है कि इतने कम 0 रिव्यू के साथ हमने पहले पेज पे कैसे, ठीक है। जब आप प्राइवेट लेबल लिस्टिंग करेंगे तो उसमें हम सारी वो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि आप न्यूली लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग करेंगे और आपकी पहले पेज पे लिस्टिंग अमेज़न के रैंक हो। और तो अब आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ आया ब्रांड का, इसके 719 रिव्यूज है। 719 रिव्यूज का मतलब है कि रिव्यूज बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि अमेज़न पे अगर 50 लोग बाय करते हैं तो एक बंदा रिव्यू देता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, रिव्यू बहुत कम देते हैं। तो अगर आपके रिव्यूज 500 से ज्यादा हैं तो ये कंसिडर होते हैं बहुत ज्यादा रिव्यू। तो ब्रांड में स्ट्रेट में ये लिस्टिंग आपकी हो गई है जिसके रिव्यूज कितने हैं? 719। लेकिन प्राइवेट लेबल में जब आप लिस्टिंग लगाएंगे तो कितने रिव्यूज होंगे? 0। तो आपको प्राइवेट लेबल में क्या करने पड़ेगी? मेहनत। लेकिन गारंटी है, अगर आप लोग सीखेंगे तो आपकी विद इन 2 वीक्स
जो आपकी लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज पे आएगी। हम जो भी लिस्टिंग लगाते हैं प्राइवेट लेबल की, वो 2 वीक में पहले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको टेक्निक सिखाएंगे कि आपने प्राइवेट लेबल के साथ फर्स्ट पेज पे कैसे जाना, ठीक है। बल्कि इस वक्त हमारी जो लिस्टिंग है टावल की मेन, वो यूके में पूरे में नंबर 3 है, और जो नंबर 1 है वो हमसे 6 पाउंड चीप है। हम 2599 की सेल कर रहे हैं और वो 1999 की कर रहा है, वो पहले नंबर पे है, और वो पूरी दुनिया में टावल का किंग है। हम उससे 6 पाउंड एक्सपेंसिव दे रहे हैं, हमारा नंबर 3rd है। तो ये कि हमारा वो एक पूरा कंटेनर एक लिस्टिंग में निकल जाता है। तो ये आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरह ये कम से कम रिव्यूज के साथ पहले पेज पे आना है। अब आपको प्राइवेट लेबल की और ब्रांड की समझ आ गई है, तो ये है कि इसमें अब देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल लेबल एम की अप्रूवल ले लेते हैं, हम लेबल एम की अप्रूवल ले ली, हमने ये प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया, इसमें हमें ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे क्विकली, हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कल को हो सकता है कि लेबल एम हमें स्टॉप कर, या कोई ऐसा हमारा कंपेटिटर हो जो बल्क में बाय कर ले और उसको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिल जाए, तो फिर हमारे लिए सेल करना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेबल में आप कोई आपको यहां से उड़ा नहीं सकता, वो आपका साथ ही बनाएगा। अब थर्ड हम देखते हैं जेनेरिक को। थर्ड हम किसको देखते हैं? जेनेरिक के लिए आप यहां पर टाइप करेंगे जेनेरिक आइटम्स, ये देखें। अब आपको कुछ यहाँ पे जेनेरिक आइटम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम कोई एक ओपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वॉच, ये टूल किट है, ठीक है, वॉच टू पेयरिंग टूल किट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विजिट जेनेरिक स्टोर। अगर यहाँ पे लिखा हो जेनेरिक स्टोर या जेनेरिक, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रांड कौन सा है, ये जेनेरिक है, ये क्या है, जेनेरिक आइटम, ठीक है। अब ये जेनेरिक एक वॉच टूल किट है। आप इसका देखेंगे, अगर हम इसकी इमेजेस को भी देखें तो आपको कहीं पे कोई मोनो या लोगो नजर नहीं आएगा। ये देखिए, आ रहा है कहीं पे नजर, किसी कंपनी का लोगो लगा है इस पे? ये ऐसे है, फुल ओपन की हुई, ऐसे करेंगे जिप बंद कर लेंगे, ये टूल किट है, वॉच रिपेयर टूल किट है। तो ये एक जेनेरिक आइटम है, कितने रिव्यूज है इसके, इसका मतलब रैंक लिस्टिंग है ये। अब हम देखते हैं कि कितने लोग सेल कर रहे हैं इसको, 13 लोग सेल कर रहे हैं। कितने लोग सेल कर रहे हैं इसको, 13। बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है, ये बाय बॉक्स का पार्ट है ये वाला, तो सोल्ड बाय 5 एवेन्यू शॉप। इस वक्त बाय बॉक्स पे कौन है, 5 एवेन्यू शॉप है, ठीक है। 895 का दे रहा है ये, लोएस्ट प्राइस वाला बाय बॉक्स पे है, कौन है बाय बॉक्स पे, लोएस्ट प्राइस वाला। यानी कि अगर आप भी ये टूल किट लेके लोएस्ट प्राइस लगाएं तो बाय बॉक्स आपको मिल जाए और अगले घंटे में ही आपकी सेल स्टार्ट होगी, कोई एडवर्टाइजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये वाली टूल किट बाय करनी है, सोर्स करनी है। ये भी आप सीखेंगे कि हम सोर्स कैसे करें। तो अब जेनेरिक आइटम एक फायदा है, ब्रांडेड में क्या था, हमें पहले अप्रूवल लेनी पड़ती, जेनेरिक में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टूल किट बाय कर लेते हैं कहीं से, तो आप भी यहाँ पे आके अपनी लिस्टिंग आधे मिनट में लगा लेंगे। आपको मैंने बताया था ना लिस्टिंग कैसे करनी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो वॉच है, ये हमने ढूंढ ली है, बाय कर ली है, हमने इसके 100 पीस बाय कर ली है, अगला काम हम क्या करेंगे, अब हमने इसको अपने अमेजोन अकाउंट पे लिस्ट करना, क्या करना है हमने इसको, तो यहाँ से हम इसका ASN कॉपी करेंगे। अगर हम इसके, अगर ये हमारी लिस्टिंग है, अगर हम स्लोली स्लोली स्क्रॉल डाउन करें बॉटम पे आए, तो ये हमारा ASN नंबर आ जाएगा। ये किससे स्टार्ट होगा, B0 से, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके ये हमारा अमेजोन का सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे,
तो ये देखिए ये हमारे सामने आ गई है, वॉच आ गई है, कंडीशन न्यू सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें इसकी प्राइस देनी है जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं। 895 की हो रही है, हम कह रहे हैं हम कितने में सेल कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास कितनी क्वांटिटी इसकी 100। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होगा इसका, चाइना। कंडीशन न्यू, यहाँ पे लिखा आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, इसको मैं खुद शिप करूंगा, तो ये क्या होगा एफ बी एम। अगर मैं ये करता हूं तो Amazon will dispatch and provide customer, तो ये क्या बन जाएगी एफ बी ए की लिस्टिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर हम ये छोड़ देनी आपने बाकी सारी मार्किंग, अगर यहाँ पे सेवन फिनिश करेंगे तो 15 मिनट बाद हो सकता है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, 13 है ना, तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप कहाँ पे आ जाएं, बाय बॉक्स पे। आप अगर बाय बॉक्स पे आ गए तो सेल फौरन स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ आ गई। yes, अब ये देखिए अगर इसको हम देखें ना, मैं वैसे क्विकली आपको आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में हमें बाद में करना है। ये अलीबाबा है, अलीबाबा क्या है, होलसेल वेबसाइट है। अलीबाबा क्या है, होलसेल वेबसाइट है चाइनीज, जहाँ से आपको हर प्रोडक्ट मिल जाती है। जो भी यूके में प्राइवेट लेबल चल रहे हैं वो आपको चाइना से मिल जाता है, या जेनेरिक। वो क्या नाम था उसका, वॉच रिपेयर किट है ना, हम देख लेते हैं यहाँ। ये यही है ना, एग्जैक्टली यही है ना। कितने की सेल हो रही है ये, $355 की, कितने की, ये तकरीबन 3 pounds बनेंगे, कितने पड़ेंगे ये, कन्वर्ट डॉलर टू पाउंड, ये 295 बनेगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। कितनी थी प्राइस, 355 है। बराबर ये हम चेक कर लेते हैं जब ये ओपन होता है, पता नहीं क्या हो गया। ये कितने डॉलर की मिल रही है, तो ये तकरीबन 3 pounds बनेंगे, क्योंकि डॉलर थोड़ा छोटा है और पाउंड बड़ा है। यूके में पाउंड यूज होता है और यूएस में डॉलर, तो ये $3.55 की है तकरीबन, ये 3 pounds की हमें चाइना से मिल रही है। लेकिन हमें ये कौन, हमें कहाँ पे चाहिए, ये यूके में चाहिए, कहाँ पे चाहिए हमें, तो हम इससे कॉन्टेक्ट करेंगे और इससे पूछेंगे कि हमें यूके में ये लैंडेड कितने के लिए, हम इससे कॉन्टेक्ट करेंगे। लिखा हुआ ना यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर, चैट भी कर सकते हैं आप, यहाँ से इनके व्हाट्सअप नंबर मिल जाते हैं, व्हाट्सअप पे भी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम इसे पूछेंगे कि हमें 50 pieces चाहिए यूके में लैंडेड, क्या प्राइस हो। अब अगर फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि 355 की है ना, तो डॉलर चार्ज करूंगा मैं शिपिंग का, तो ये कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। 455 का मतलब 3.5 pounds हो गया, 3.5 pounds की हमें वहां पे मिल जाएगी लैंडेड। अब ये सेल कितने की हो रही है, 895, ठीक है। हमने आगे अपनी फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है, जो आपने सीखनी आगे जाकर कि इसमें और कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है और इसमें हमें प्रॉफिट है या नहीं। अगर हमें इसमें प्रॉफिट होगा तो हम ये चाइना से बाय कर सकते, ठीक है। इसका ये फायदा है जेनेरिक आइटम्स का कि यहाँ पे आपको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप जेनेरिक आइटम सोर्स करेंगे और सोर्स करके आप यहाँ पे लगा देंगे, और ये आप लाजमी चाइना से सोर्स करें, ये आप यूके से भी सोर्स कर सकते हैं डायरेक्ट, वहीं भी आपको मिल जाएगी, आप वहीं पे हम सीखेंगे सोर्सिंग, हमें सीखनी आ गया तो आप वहीं से सोर्स करेंगे, कार्ड पे पेमेंट करेंगे और वहीं से अमेज़न को भिजवा देंगे। इसलिए पीएल जो माइक्रो पीएल है या जेनेरिक है, ये थोड़ा चीप टू स्टार्ट, कि हमें हम कहते हैं हमें 50 glass बाय करने हैं, बस पाउंड का ग्लास है, तो 50 glass कितने के हो जाएंगे, 50 pounds को हम कार्ड पे 50 pounds पे करेंगे, कमांड देंगे, वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, अमेज़न के वेयर हाउस में, हमारा वर्क स्टार्ट हो। तो ये होता है कि ये इजी टू स्टार्ट है।
इसी तरह ये अब हम देख लेते हैं कुछ, ये भी देख लें, ये बलून्स है, एसपी बलून्स है, एसपी 50, तो ये भी आपको चाइना से बड़े इजीली अवेलेबल है। ये भी ब्रांड क्या है इसका भी, जेनेरिक है। तो ये देख लें कितने 7 लोग सेल कर रहे हैं। ये बलून का पैकेट है, 50 बलून है ये, तो ये भी आप उधर से चाइना से, और आप अलीबाबा पे हम सीखेंगे, आप पिक्चर डाल के भी सर्च कर सकते, आपको जो चाहिए ना प्रोडक्ट आप उसकी पिक्चर अलीबाबा को देंगे और वो निकाल के आपको देंगे। ये कप्स हैं, ये देखें 100 कप हैं, ये भी इजीली अवेलेबल है चाइना से। ये पता ना क्या है, ये हुक्स हैं, तो हैं भी चीप हैं, तो ये भी यूके से भी इजीली अवेलेबल है। और ये एक वो जो हमारा कुकर होता है, ये कुकर का पार्ट है, कुकर वाला कौन सा चूल्हा, ठीक है, जो जिसको आप कुकिंग रेंज कहते हैं ना पाकिस्तान में, वहां पर उसको कुकर कहते हैं, जो बड़ा नहीं होता, जिसके नीचे वो ओवन भी होता है और साथ में वो ग्रिल भी होती है, ठीक है, उसको कुकर कहते हैं वहां। तो ये कुकर का है, थोड़ा सा पार्ट है, तो ये भी देख लें कि इजीली सोर्सेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं और अमेजोन पे लगाएं विदाउट अप्रूवल। ये इनकी स्टेप है, ये सस्ता बहुत बिक रहा है इसलिए इग्नोर कर दें। तो ये इसमें ये फायदा है आपको, एक ये हुक्स नजर आ रही, और रिव्यूज चेक करें कितने। लेकिन आपने जब भी ये काम करना है ना, आपने इसको ओपन करके एक बार चेक जरूर करना है कि उसके ऊपर जेनेरिक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपके सामने कुछ ओपन करूंगा और वहां पे जेनेरिक नहीं लिखा होगा, ये देखिए मैं इसको फॉर एग्जांपल ओपन करता हूं, ये ब्रांड के आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये जेनेरिक नहीं है, ये प्राइवेट लेबल है। क्या है ये, अगर आपने इसको ESL लेके लगाया ना तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, समझ आ गई। अगर आपने इसका ESL कॉपी करके अपने अकाउंट पे लगाया ना तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और ये सीरियस वायोलेशन होगी, इसपे बहुत कम चांसेस है कि आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो। तो जब भी आपने अगर जेनेरिक में आप काम करना चाह रहे हैं तो आपने पहले उसको प्रोडक्ट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने देखना है कि वो वाकई, ये देखते हैं सिल्वर रिंग है, ये जेनेरिक है या नहीं है। ये देखिए ये ब्रांड क्या लिखा हुआ है, जेनेरिक है, तो आप डिफरेंस समझ आ गया। यस सर। तो अगर आपका कभी मूड हो जेनेरिक में काम करने का तो मेक श्योर करना है कि वो वाकई जेनेरिक आइटम है या नहीं है। तो हम उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि वो वाकई जेनेरिक है, देन वी कैन स्टार्ट वर्क ऑन इट। अब आ जाए वापस, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, जेनेरिक है, ब्रांडेड है, प्राइवेट लेबल, समझ आ गई। यस सर। जो जेनेरिक है, अब लिस्टिंग आ गई इनकी, आ गई जेनेरिक की लिस्टिंग, हमने कैसे करनी है, मी टू करना है। जेनेरिक में हमने क्या करना है, मीटू का मतलब क्या है, अपनी ऑफर लगानी है। मीटू का मतलब क्या है, ऑफर लगानी आ गई ना आप लोगों को, कैसे लगानी है, आपने ESL कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जैसे मैंने प्रोसेस बताया, समझ आ गई है ना। तो जेनेरिक को हम क्या करेंगे, मीटू करेंगे, स्क्रीन पर देखें, जेनेरिक को हम क्या करेंगे, और विदाउट अप्रूवल करेंगे, ठीक है। इसमें हमें PPC या एडवर्टाइजमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, बाय बॉक्स विनिंग। हमारा टारगेट क्या है, बाय बॉक्स विनिंग। अगर आपको बाय बॉक्स में समझ ना आ रही हो तो फिर बाद में डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो पता है। ये समझ आ गई आप लोगों को। ब्रांडेड में हम क्या करते हैं, विद अप्रूवल, PPC और एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए हमें, लेकिन बाय बॉक्स हमारा टारगेट, समझ आ गई। नहीं क्यों, देखिए जरा, हमने जेनेरिक में वो आइटम्स को मीटू करना है जो ऑलरेडी रैंक है। जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये इसके कितने रिव्यूज हैं, ये तो ऑलरेडी रैंक है, हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जेनेरिक में आपने वही आइटम्स को टारगेट करना है जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, और बाद में आपने इनको हीलियम 10 में डाल के फाइनलाइजेशन की तरफ लेके आना है। आप सीखेंगे आगे हीलियम 10 कैसे करते हैं, सही है। अब ये देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये एक जेनेरिक आइटम है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर कोई रिव्यू है,
तो क्या हम इसको टारगेट करेंगे? नहीं। अगर करेंगे तो फिर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और आ जाइए, ये देखिए इसके कितने रिव्यूज हैं। अगर हम इसको टारगेट करेंगे तो हो सकता है कि हमें क्या करना पड़े, बल्कि ये आप देख ही लें सैंपल, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, क्योंकि इसके रिव्यूज नहीं है ना, तो ये क्या हुई हुई है, स्पॉन्सर हुई हुई है। लेकिन जिनके रिव्यूज हैं, जो ऑलरेडी रैंक है, उनको स्पॉन्सर होने की जरूरत नहीं। तो आपने किन को टारगेट करना है? जिनके रिव्यूज कम अज कम 500 से ज्यादा है, ठीक है, जिनके रिव्यूज 500 से ज्यादा है उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, वापिस आ जाओ। तो हमें जेनेरिक में और ब्रांडेड में करना हमने क्या है, मी टू लिस्टिंग करनी है। कौन सी लिस्टिंग करनी है हमने? विदाउट अप्रूवल और ब्रांडेड विद अप्रूवल। हमारा नो पीपीसी नो एडवर्टाइजमेंट टारगेट क्या है? बाय बॉक्स में, सही। अच्छा, उसके बाद आती है ये आप बीच में हम करेंगे आगे जाके, प्राइवेट लेबल आ गया, ठीक है। प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग हमें कैसे करनी पड़ेगी? फ्रॉम स्क्रैच, कैसे करेंगे हम? जीरो। आपको उसके इमेजेस भी खुद लेने पड़ेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन भी खुद लिखनी पड़ेगी, टाइटल भी खुद डिजाइन करेंगे, उसका एसईओ भी हम खुद करेंगे, उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो भी हम खुद डालेंगे। यानी कि हम एक खुद ब खुद एक पूरी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें उसको रैंक भी करवाना पड़ेगा, उसकी पीपीसी भी करवानी पड़ेगी और उस पर एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। समझ आ गई? तो आपको जेनेरिक में, ब्रांडेड में और प्राइवेट लेबल में समझ आ गई, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में हमें रैंक भी करवाना पड़ता है, पीपीसी भी करवाना पड़ता है और एडवर्टाइजमेंट भी करवाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए आगे जेनेरिक आइटम्स, ये हमें कहाँ से मिलेंगी? लोकल मार्केट से या अलीबाबा से। लोकल मार्केट किसको कहते हैं? नहीं, होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? लोकल मार्केट। अगर हम यूके मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो लोकल मार्केट कौन सी है? यूके। अगर यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो फिर हमारी लोकल मार्केट क्या है? यूएस। अब हम इमेजिन करते हैं कि हम यूएस में बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमने अपना अकाउंट कहाँ पे ओपन किया है? यूएस में। तो हमारी लोकल मार्केट क्या है? यूएस। तो जो जेनेरिक है वो हम कहाँ पे ढूंढेंगे? वहां पे ढूंढेंगे, लोकल मार्केट में, यूएस में ढूंढेंगे, या फिर हम कहाँ पे जाएंगे? अलीबाबा, ठीक है। देखिए आप, हम ये कहते हैं हम पाकिस्तान में अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? तो पाकिस्तान हमारे लिए, हमें अगर कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से लेनी हो तो ये हमारे लिए क्या होगी? लोकल मार्केट। अगर कोई बंदा इंग्लैंड में है और वो पाकिस्तान में अमेजोन का बिजनेस करना चाहे, ठीक है, हम दूसरा बात, हम पाकिस्तान में अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान से ही सोर्स कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए लोकल मार्केट कौन सी है? पाकिस्तान। अगर हम कोई चाइना से लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, समझ आ गए। अब आप जब आपने अमेजोन सीखना है या आपने अमेजोन पे वर्क करना है तो जिस कंट्री का सेलर सेंट्रल है आपने खुद को इमेजिन करना है कि हम उस कंट्री में बैठे, समझ आ गए। ये देखिए हम ये इसको देखते हैं ये कौन सी मार्केट है, ये हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ये किस मार्केट का है। तो जब हमने इस पे काम करना है तो हमने खुद को क्या इमेजिन करना है कि हम कहाँ पे हैं? हम यूके में बैठे हैं, हमारे कस्टमर भी यूके में, हमें हर चीज अपने यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हमें जो कस्टमर को कम्युनिकेट करना है वो भी यूके की लैंग्वेज में करना है, उनके नॉर्म्स उनके ट्रेडिशंस के मुताबिक करना है, ठीक है। यूके में एक नॉर्म है कि अगर आप किसी को डायरेक्ट बुलाते हैं ना तो वो कहते हैं ये रूड है, बदतमीज बन रहा है, अगर आप, आपसे कुछ छोटा सा भी मिस्टेक हुआ है और आपने सॉरी नहीं कहा तो ये बहुत बदतमीज इंसान है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता कॉमन है, यूके में अगर कोई किसी के पास से भी गुजर जाए ना, एक फुट के पास से करीब आ जाए तो फौरन सॉरी कह देता है, सॉरी, ठीक है। तो बच्चों को भी यही सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे सॉरी सॉरी करते फिर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपने कम्युनिकेट करना है अपने उनको आपने बड़ा पोलाइटली बात करनी है, आपने जो भी करनी है, अगर आप सीधा लिखेंगे ना कोई भी मैसेज तो वो कहेंगे ये रूड है, बदतमीज है। तो जो यूके है वो बहुत ही एक सॉफ्ट कंट्री है जहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट कम्युनिकेशन होती है,
जो मतलब हम लोग जब जाते हैं ना उधर, तो हम लोग हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये सॉफ्ट स्किन, जितनी भी इंग्लिश कम्युनिटी है उसको हम सॉफ्ट स्किन कहते हैं, और जो हमारे इधर वाला पार्ट है ना सब कॉन्टिनेंट का, इनको हार्ड स्किन कहते हैं। हार्ड स्किन का मतलब क्या, जितनी मर्जी बिस्ती बिस्ती करी जाए हीट, कोई फर्क नहीं। एक एक वाइट को आप सिर्फ ये कह देना यू आर लाइंग टू मी, आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, वो लाल हो जाएगा, किसने मुझे बहुत बड़ी गाली निकाली है, मुझे झूठा कहा, इतनी छोटी सी बात में वो रेड हो जाएगा, आंखों में उसके पानी आ जाएगा, वो कि इतनी बड़ी गाली है किसी को झूठा कहना वहां, इधर जो मर्जी कहते हैं। तो उनको कहते हैं ये सॉफ्ट स्किन है, तो सब जिनसे बात करनी है हमने बड़ा पोलाइटली बात करनी, लेकिन जो हार्ड स्किन है उनकी ख्याल। अब यही हुआ है कि वहां पे लोगों ने ना जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है ना यूके में, कि जो लोग फोन करके लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सेल कर दी, उधार पे सेल की, क्रेडिट पे की ना, अब उनसे पैसा निकलवाना है ना, तो बार बार फोन करने पड़ते हैं। तो पहले ये होता था इंग्लिश ट्रैक्टर होते थे, वो एक फोन करते थे, मैच रुपीज ट्रांसफर मनी ओके, दूसरा फोन, थर्ड टाइम सीधा लीगल क्लेम। तो उन्होंने कहा कि उससे ना डिस्टर्ब हो रहे थे लोग, कि कस्टमर के साथ लड़ाई बढ़ रही थी, कि मिनट में वो लीगल क्लेम डाल देते थे। तो उन्होंने इंडियन पाकिस्तानी हायर करना शुरू कर दिया, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी करते रहते, प्लीज प्लीज ट्रांसफर मनी, अच्छा कितना, 1000, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्रांसफर 500 टुडे। मिनते तरले करने के लिए उन्होंने किनको रखा हुआ है, हार्ड स्किन को, कि इन्हें कौन सा बिस्ती महसूस होती है। तो वो ये कि हमने जब उनसे कम्युनिकेट करना है, तो हमने ये भी देखना टारगेट मार्केट कौन सी है। अगर आप सीधा मैसेज देंगे ना उसको, तो स्टेट में वो कहेगा रूड है, बहुत बदतमीज है, तमीज ही नहीं बात करना, वो आपने रिस्पेक्टेड डियर थैंक यू कर करा गया, आपने वो सारा कुछ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। तो अब आप यूके में कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे हैं, आप यूके में बैठे हैं, लेकिन अगर आप यूएस में करते हैं, तो यूएस वाले इतने पोलाइट नहीं है, उनसे आप थोड़ा सा स्ट्रेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, वो भी हमारी तरह के बस ऐसे ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स की औलाद है, जो अमेरिकन हैं वो सारे कौन है, क्रिमिनल्स की औलाद है, वो क्रिमिनल्स की वो नेक्स्ट जनरेशन है। ब्रिटेन में जब कोई बंदा बड़ा जुर्म करता था ना, तो उसको जिला वतन करके अमेरिका भेज देते, क्योंकि वहां पे कुछ था नहीं, जंगल थे, तो ब्रिटेन जिला वतन करते थे ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, कि वहां पे खुद ही भूखा मर जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो जो लोग जिला वतन हुए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनानी शुरू की वहां पे, और फिर बाद में इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ी, जब ये इकट्ठे हो गए ना बहुत सारे, तो फिर इन्होंने ब्रिटेन के जंग लड़ी, गैब्रियल था लड़का, यंग लड़का था 25-26 साल का, उसने जंग लड़ी थी गैब्रियल ने अमेरिका के खिलाफ, और उसने फिर अमेरिका को आजाद करवाया। तो इसलिए वो भी हमारी तरह थोड़े मतलब स्ट्रेट, तो वहां पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम वापिस आते हैं, तो आप अब हम लोकल मार्केट की समझ आ गई क्या है, तो आपको ये जो जेनेरिक आइटम है कहाँ से मिलेगी, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट कौन सी है, अगर आप यूके में, यूके में आप, हम वो सीखेंगे कि हमने सोर्सिंग लोकल मार्केट से कैसे करनी है। तो जब आप वो करते हैं, तो लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगी, अगर वहीं से नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिल जाएगी, अलीबाबा। तो होता ये है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, तो हम लोकल मार्केट से ले लेते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट से सोर्सिंग ईजी है, आपको अगले दिन डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन जब हम चाइना से इंटरनेशनली करवाते हैं वहां पर, तो फिर हमें थोड़े चैलेंजेस आते हैं ट्रेड का, ठीक है। तो हम ये भी कर लेते हैं कि ये ग्लास है ना, हमने वहाँ लोकली ले लिया, वहाँ से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा चाइना से, पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, हमने इसको स्टार्ट किया, अगर ये वो इसकी लिस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, चलना शुरू हो गया है, तो साथ ही हम चाइना में वर्किंग करनी शुरू कर, ठीक है। तो फिर हम चाइना से मंगवाना शुरू कर देंगे, जब ये चल पड़ेगा, तो स्टार्ट विद क्या होगा, लोकल मार्केट ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गई हमें कहाँ से मिलेंगी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड। अच्छा पहले इस पे आ जाए प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल भी आपको कहाँ से मिलेगा, लोकल मार्केट से मिल जाएगा या अलीबाबा से। अच्छा हम अलीबाबा लिखते हैं, अलीबाबा आसानी के लिए लिखते हैं, क्योंकि अलीबाबा से बाय करना आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो अफ्रीका का वो एक कंट्री है युगांडा, वहां से हमें इम्पोर्ट करनी है, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी, ट्रेड चैलेंजेस आपको आएंगे या नहीं आएंगे। अलीबाबा आपको क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। अलीबाबा क्या करता है, आपको सिक्योरिटी देता है। अगर आप कोई चीज़ अलीबाबा से बाय करते हैं और वो डिलीवर नहीं होती, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलती है। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैं आप हमने हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, हमने पाकिस्तान से कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी है, तो इम्पोर्ट के चैलेंजेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। हो सकता है वो हमें कोई ऐसी आइटम भेज दे जो ठीक ना हो, तो कैसे दोबारा उसको वापस भेजेंगे, मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो अलीबाबा पे हमें थोड़ी क्या हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अलीबाबा से कर सकते हैं। जब मैंने अलीबाबा लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल।
अलीबाबा का मतलब क्या है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री से सोर्स कर सकते जहां पे आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी है। जैसे आपका भाई है वो उधर साउथ अफ्रीका में है, उसमें ट्रस्ट है ना आपको, तो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हम बल्कि हम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे काम, हम कोल इंपोर्ट करने लगे हैं साउथ अफ्रीका से, कोयला नहीं होता जो वो चाइना के लिए, सॉरी यूके के लिए। तो मेरे कजन है ना वहाँ पे, उनसे बात हुई, वो वहाँ पे यूके में बारबेक्यू बहुत होता है, बहुत ज़्यादा बारबेक्यू है, कि मतलब वो दिन रात बारबेक्यू करते हैं, उनका ज़्यादा फूड ही बारबेक्यू है। तो कोल की बहुत डिमांड है, कोयला होता है ना जो बारबेक्यू कोयला, उसकी डिमांड बहुत है, वो पैकेट्स में होता है, जैसे सीमेंट के पैकेट्स होते हैं वैसे होता है। तो वो ये है कि आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका सिक्योरिटी हो। तो अब ये समझ लगी आपको लोकल मार्केट की और अलीबाबा की समझ आ गई। अगला काम क्या आ गया हमारा, ब्रांडेड आइटम्स। ये कहाँ से मिलेंगे हमें, लोकल मार्केट ऑथराइज्ड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ मैंने अलीबाबा नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि ब्रांडेड आइटम आप इंटरनेशनली सोर्स नहीं है। आपने जिस कंट्री में बिजनेस करना है ये वहीं से सोर्स करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑथराइज्ड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है मेन बंदा, जैसे ये लेबल एम हम निकाल रहे थे, लेबल एम है तो लेबल एम ने निकाला, तो लेबल एम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है यूके में पूरे, जिसने भी लेना है किससे लेना है उस डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन वो पार्टी बहुत बड़ी है, जब आप लोग एज अ अमेज़न सेलर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे तो क्या वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत कम चांस है। क्योंकि आपने छोटी क्वांटिटी ऑर्डर कर लिया 100 पीसेस 200 पीसेस, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर कहता मुझसे तो 5000 10000 इतने यूनिट्स लें फिर मैं दूंगा। तो फिर अगला हमारा टारगेट क्या होता है, होलसेलर। ये होलसेलर कहाँ से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था ना पहले क्या हुआ था। तो ये हम कहाँ से करेंगे, हेलो भैया अभी 10 मिनट डाल देता हूँ। कल 4:30 बजे, हाँ जी 4:30 बजे। तो ये अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो अगला टारगेट आपका क्या है, ऑथराइज्ड होलसेलर। तो अब आपको ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, इनकी सोर्सिंग के बारे में आइडिया हो गया, लिस्टिंग का हो गया, जेनेरिक में मीटू करेंगे, ब्रांडेड में भी मीटू करेंगे, और उसके बाद प्राइवेट लेबल में हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट करें। सही है, ये जो जितने भी लिस्टिंग करेंगे ना हम, ये जेनेरिक में करेंगे या ब्रांडेड में करेंगे या प्राइवेट लेबल में करेंगे, ये दो तरह की होगी। कितनी तरह की होगी, एक FBM होगी और एक FBA होगी। रिजवान इसको चार्जर लगाओ, ये बंद हो नहीं लगा, चार्जर लगाओ। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, तो ये जितनी भी हम लिस्टिंग करेंगे ये कितने टाइप की होगी, दो तरह की, एक FBM होगी और एक FBA होगा। तो ये हम दोनों लिस्टिंग्स सीखेंगे कि FBA का क्या प्रोसेस है और FBM का क्या प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको तो आप बता दें।